सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक एक्ट्रेस बनने का सफ़र शुरू किया था तापसी ने। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली तापसी पन्नू का जन्म 1 अगस्त 1987 में हुआ था। और आपको बता दें कि आज तापसी का जन्मदिन भी है। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तापसी ने जॉब भी करी और उसी के साथ ही चैनल वी के टैलेंट शो गेट गॉर्जियस में वो सिलेक्ट भी हुई थी। तापसी ने फुल टाइम मॉडलिंग करने का निर्णय लिया और फिर 2008 में तापसी ने फेमिना मिस इंडिया जैसा कॉन्टेस्ट भी जीता। बाद में तापसी ने एक मॉडल के तौर पर रिलायंस ट्रेड, रेड FM और कोका कोला जैसे ब्रांड के लिए काम भी किया, पर तापसी की चाह उसी के साथ बढ़ती गई। और फिर 2010 में तापसी ने तेलुगु फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत करी। बाद में वो फिल्म हिट तो नहीं रही, फिर आई तापसी की तमिल मूवी जिसमें उनके को एक्टर धनुष के साथ उनने काम किया। उस मूवी से तापसी को मिली एक नई पहचान, उस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। बाद में 2013 में चश्मे बद्दूर से तापसी ने हिंदी फिल्मों में रखा कदम। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से आज तापसी इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।